इस वीडियो में हम करेंगे डिलीट कमांड ऑफ एसक्यूएल। सो एसक्यूएल में अगर आपके पास टेबल है जिसमें ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है एंड नाउ फॉर सम रीजन आपको उस डेटा को डिलीट करना है, तो आप डिलीट कमांड यूज करोगे। लाइक अगर मुझे टेबल को डिलीट करना होता है तो हमारे पास ड्रॉप टेबल कमांड होती है जिससे पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो जाता है। बट आपको पूरा टेबल डिलीट नहीं करना है, आपको सिर्फ कुछ रोज डिलीट करनी है, तो आप डिलीट यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट एंड आई पुट अ सेमीकोलन हियर, मैं वेयर नहीं देती हूँ इसके साथ, तो सिंटेक्स क्या कहता है कि आप पहले डिलीट कीवर्ड लिखो, फिर फ्रॉम कीवर्ड लिखो, फिर टेबल का नाम दो और फिर वेयर के साथ आप कंडीशन दो जो कि ऑप्शनल होती है। तो अगर हम वेयर के साथ कंडीशन नहीं देते हैं तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं टेबल में वो सबके सब डिलीट हो जाएंगे। बट अगर इससे भी सबके सब रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं और ट्रंकेट टेबल से भी सब रिकॉर्ड्स डिलीट होते हैं तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर आपका ऑटो कमिट ऑफ है तो आप इसे रोल बैक कर सकते हो, मतलब इसे अंडू कर सकते हैं क्योंकि ये डीएमएल कमांड है। लेकिन जो चीज आप ट्रंकेट टेबल से डिलीट करते हो वो कभी भी अंडू नहीं हो सकती है। रोल बैक कमांड डज नॉट वर्क ऑन दैट। सो रोल बैक कमांड जो है वो सिर्फ डीएमएल स्टेटमेंट्स पे काम करती है, डीडीएल स्टेटमेंट्स जो है वो ऑटो कमिट होती है, उन्हें हम कभी भी रोल बैक नहीं कर सकते। सो दैट्स वन थिंग। बट अब यहाँ पर अगर आपको डिलीट करना है सारा का सारा तो आप डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट लिखोगे, बट अगर सारे नहीं करने, कोई सिलेक्टेड स्टूडेंट करने हैं, जैसे मुझे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को डिलीट करना है जिनके मार्क्स 50 से कम है, सो आई कैन राइट लाइक डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स लेस देन 50। तो ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा जिनके मार्क्स 50 से कम है। बट मुझे हर क्लास में से नहीं करना, मुझे सिर्फ 12th क्लास में से करना है। तो मैं यहाँ पे दे सकती हूँ वेयर क्लास इज इक्वल टू 12th, और दो कंडीशंस देने के लिए हम बीच में यूज करते हैं एंड। आप एंड भी यूज कर सकते हो और भी यूज कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है। लाइक एंड हम तब यूज करते हैं जब हमें दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए, मुझे फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू चाहिए एंड सेकेंड भी ट्रू चाहिए, और मैं तब यूज करूंगी जब मुझे दोनों में से कोई एक ट्रू चाहिए, या ये ट्रू हो या वो ट्रू हो, दोनों में से एक भी ट्रू हुई, दोनों ट्रू हुई, इट्स ओके। बट अगर दोनों फॉल्स होंगे तो रिजल्ट फॉल्स होगा। So this is how you can combine the condition. So delete from student where marks are less than 50 and class is equal to 12th. So class bhi 12th honi chahiye and marks bhi 50 se kam honi chahiye. Agar aisa hai, to wo record delete ho jayega aur agar wo condition match nahi hoti hai, to wo record delete nahi hoga. So deletion is very simple, quite simple. You just have to write the delete command and the condition jiske accordingly aap delete karna chahte ho. Jaise ki mujhe वो सारे स्टाफ मेंबर्स हटाने हैं एम्प्लॉय में से जो एक पर्टिकुलर डेट से पहले हायर हुए थे, तो मैं लिख सकती हूँ डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एंड लेट्स से देयर इज अ कॉलम कॉल्ड हायर डेट, जो ये बताता है कि वो एम्प्लॉय ने कब ज्वाइन किया था, मतलब ज्वाइनिंग डेट हो गई, वेयर हायर डेट इज लेस देन, और उसके बाद आप यहाँ पर डेट स्पेसिफाई कर सकते हो। तो जो भी डेट आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे उससे कम जिसकी भी हायर डेट delete नहीं होंगे। So we can give any condition, मतलब ये है कि condition आप dates पे भी दे सकते हो, condition आप numbers पे भी दे सकते हो, condition आप characters पे भी दे सकते हो। Conditions के ऊपर we will be discussing more in detail in another video जिसमें हम specifically where clause के बारे में ही बात करेंगे। But ये video बहुत simple है, इसमें कुछ भी नहीं आपको ज़्यादा करना। अगर आपको delete करना है, so you have a very simple command that says delete from टेबल का नाम वेयर कंडीशन, दैट इज इट। तो अगर कभी आपको क्वेरी आती है डिलीट करने के लिए, इट इज वेरी वेरी सिंपल, राइट? इसमें आगे जाकर हम जब दो टेबल्स को करते हैं तो थोड़ा सा आपके पास आ जाता है कि अगर आप एक मेन टेबल से डिलीट कर रहे हो तो उसके डिपेंडेंट टेबल के रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली डिलीट कैसे होते हैं, बट उसका काम डिलीट कमांड के साथ रिलेटेड नहीं है, दैट्स रिलेटेड विद द फॉरेन की कंस्ट्रेंट। So that we'll be discussing again in the video about foreign key constraint. But for this video, it's very simple, very small thing. कि delete करना है तो delete from table का नाम और condition दो, and वो जो record condition से match होगा वो delete हो जाएगा, जो नहीं match होगा वो delete नहीं होगा. That's it for this video. So we'll be discussing more things in the other video. So next video में हम select command start करेंगे, जो कि एक major command है जिसपे based आपके पास सबसे ज़्यादा questions आते हैं exam में,
और प्रैक्टिकली यूसेज में भी आप उसे ही ज्यादा यूज करते हो क्योंकि हमें डेटा फेच करना होता है एज पर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन. सो वी वॉन्ट दैट डेटा शुड बी फेच्ड इन डिफरेंट कंडीशन. सो दैट्स वॉट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो. आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या पूरे आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आई टेल यू दिस इन एवरी वीडियो ताकि अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको पता हो, तो आपको अपने पूरे सिलेबस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप किसी सैम्पल पेपर में देखते हो या किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखते हो एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उसे कैसे सॉल्व करना है, यू कैन पोस्ट दैट क्वेश्चन टू मी इन द कमेंट्स और आप मुझे मेल भी कर सकते हो. आई विल बी अपलोडिंग द सॉल्यूशन फॉर द सेम विद द एक्सप्लेनेशन कि उसे सॉल्व कैसे करते हैं. दैट क्वेश्चन कुड बी रिलेटेड टू SQL, जावा, HTML, anything. Or अगर आप computer science student हो, so it could be related to C++, Boolean algebra, anything. So that's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.